बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अदालतों और पाकिस्तानी इदारों का इंसाफ तो देखिए कि एक तरफ मुल्क लूटने वाले मुल्क से बाहर मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया जहान की हर आसाइश उन्हें मयसर है, और वो पूरे धड़ल्ले और बदमाशी से पाकिस्तानी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये गरीब दिहाड़ीदार हैं जिन पर इन हुकूमतों, इन इदारों और इन तमाम ऑफिसरान का बस चलता है। पूरा दिन अपना वजूद गर्मी में पिघलाकर चंद सौ रुपये की दिहाड़ी लगाने वाले इन्हें पाकिस्तान का कानून तोड़ते हुए नज़र आते हैं, जबकि अरबों रुपये की करप्शन करने वालों को ये बाइज्जत तौर पर जहाज़ों पर बाहर भेज देते हैं। बात अगर तजावजात की है तो इस वक्त हुकूमत में शामिल कई वजीरों और मशीरों की तजावजात भी अदालत में जेरे बहस हैं, यहाँ तक कि वजीर आजम साहब का अपना घर यानी बन्नी गाला वाला बंगला भी अदालत में तजावजात के हवाले से जेरे बहस है। लेकिन बहरहाल असल हकीकत यही है कि इन गरीब दिहाड़ीदारों से पाकिस्तान को ख़तरा है, ये पाकिस्तान का कानून तोड़ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं, और इन्हें शायद जीने का भी कोई हक ही नहीं है। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर ना धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ वो एसार व अखुवत मदीने वाली, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो महकूम को हुक्मरान से डर लगता है। अल्लाह की ज़ात ही ऐसी हुकूमतों और ऐसे इदारों को हदायत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।